Yeah. Ahmed. Yeah. Thank you. How are you? आइए दोबारा कलकत्ता तो फिर घुमाता हूँ। बिल्कुल और वाकई आई दे मुझे मतलब थैंक यू सो मच। मैं भी आप जैसे मिला, मैं भी छोटा हूँ, आप भी छोटे यार। हाँ सही में मैं दो रात के बाद सोया हूँ, मत से सोया और घुमा फिरा, जो खाना था खाया पिया, अच्छा लगा मुंबई आके। और अब जा रहा हूँ अपनी ड्रीम सिटी, मैं कलकत्ता रहना पसंद करता हूँ। आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ ट्रैवलिंग हिंदी। फिलहाल हूँ मैं मुंबई एयरपोर्ट पे और मेरा लेआउट था लगभग 23 घंटे का, तो मैंने उसमें से 19 घंटे गुजारे और लगभग 3.5 घंटा बाकी है, तो मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट पे। यहाँ से मैं कलकत्ता के लिए अप्लाई करूँगा। बाकी यही कहूँगा, आप लोग दुआ में याद रखना, आप लोग के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पिछली वीडियो के इतना प्यार देने के लिए। और मैं कल मुंबई से कलकत्ता फ्री में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा एज अ अगर मैं मुंबई भी लेता तो मेरे को लगभग भाई 8.5 हज़ार पड़ता, और कलकत्ता भी लिया तो भाई 8.5 हज़ार पड़ता, तो समझ लो कि मैं फ्री जा रहा हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया आज मुंबई में। मुंबई में मैंने सारा दिन क्या किया, सबसे पहले तो मैं आके सो गया, बहुत थका हुआ था, दो रात से मैं सोया नहीं था। और उसके बाद मैं उठने के बाद भाई के साथ गया खाना पीना खाने, खाना खाया, उसके बाद मेरे कई पुराने दोस्त जो ऑफिस के थे उनसे मिला मैं, और उसके बाद शाम हो गई तो फिर हम वापस भाई के साथ जा रहे हैं, भाई के एक फ्रेंड से मिलने, वो आप देख सकते हैं आप लोग। और ये हैं मेरे भाई के दोस्त हैं, और मुझे शर्म आती है अपने भाई को वीडियो में दिखाना। राजकुमार सर हैं। अरे इनके भाई का दोस्त हूँ, लेकिन इनका भाई मेरा भाई, और मेरा भाई इसका भाई, इसका भाई उसका भाई, हम सब एक दूसरे के भाई भाई हैं, इसलिए भाई जान में क्या दूसरे की जान को शामिल करना। सही बात है। आइए दोबारा कलकत्ता तो फिर घुमाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, और वाकई भाई ने मुझे मतलब पूरा कलकत्ता मेरे ख्याल से 2-3 घंटे में दिखा दिया। मिलने मिलाने से याद आया हमें खाना खाना है, हम लोगों ने खाना खाया साथ में, और उसके बाद फटाफट मैं टैक्सी लिया, और टैक्सी लेके मैं फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंच गया। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और पूरी वीडियो देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करके जाएगा, थैंक यू। मैंने किया फेवरेट फूड वगैरह खाया, और एक पुराने दोस्तों से मिला, और मेरा है इंडिगो जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी, वो 6 नंबर से है और निकलते हैं इंडिगो की तरफ और चेक इन करते हैं। एक्चुअली मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है, लेकिन मेरे पास लैगेज है, उसको चेक इन करूँगा और फिर निकलूँगा। हाँ, और मैं लाउंजेस का आपको दिखाऊँगा कि दूर में मैं कैसे लाउंजेस यूज कर सकता हूँ। और चलते हैं इंडिगो के काउंटर पे, चेक इन करना है, मेरे पास बोर्डिंग पास है। और गार्ड भैया ने कुछ भी नहीं देखा, बस देखा, स्कैन किया कि ओरिजिनल है या नहीं वो बोर्डिंग पास, और मुझे अलाउ किया। अरे स्वाति, ये कोच के फ्रंट पे था आगे इंडिगो के डोमेस्टिक में, और आप ये याद रखिएगा कनेक्टिंग फ्लाइट हो तो आपको डोमेस्टिक में ही आना पड़ेगा एज एन डिपार्चर में, ऐसा नहीं कि आप इंटरनेशनल से करोगे, तो डोमेस्टिक का अलग रहता है और इंटरनेशनल का अलग रहता है, तो ये डोमेस्टिक लाइन है। आपको ड्रॉप किया और अब चलता हूँ, एक बार ये बैग सिक्योरिटी चेक इन हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे। तो हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बोरिंग काम है, तो यही है सबसे बोरिंग काम। डोमेस्टिक का कैसा रहता है कि आप जैसे सिक्योरिटी क्लियर करोगे, एक नॉर्मल सा गेट रहता है, आप आपका बोर्डिंग पास डालो और एग्जिट होगा, तो ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं था। डोमेस्टिक का सबसे ईजी रहता है, क्योंकि आपको कहीं इमिग्रेशन पास नहीं करना है, सिंपल सा आपका बोर्डिंग पास रहेगा, जैसे मेट्रो में करते ना वैसे दबाओ और अंदर आ जाओ। और सबसे पहले अपना काम है, चलते हैं लाउंज में, अपने पास 2 घंटा है, तो इन्जॉय करते हैं, खाते पीते हैं, और आपको बताता हूँ क्या क्या फ्री मिलता है वहाँ। सब कुछ तो फ्री रहता है, मतलब क्या क्या चीज़ें मिलती है, जैसे अभी नाइट का है तो मेरे हिसाब से डिनर का टाइम होगा, तो डिनर की जो ही चीज़ है वो मिलेगी, वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे। अगर आप मॉर्निंग में हो तो ब्रेकफास्ट, और दोपहर में हो तो लंच, और शाम में हो तो स्नैक, जो डिपेंड करता है वो किस कौन सा टाइम है। और बाकी फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, वो पीली वाली जैकेट छोड़ दी, कम से कम 6 घंटा कम से कम 6-7 kg वो जैकेट था यार, हालत ख़राब हो गई थी। और सही में मैं दो रात के बाद सोया हूँ, मत से सोया और घुमा फिरा, जो खाना था खाया पिया, अच्छा लगा मुंबई आके। और अब जा रहा हूँ अपने ड्रीम सिटी, मैं कलकत्ता रहना पसंद करता हूँ, नॉर्मल ज़िंदगी जीता हूँ, नॉर्मल सा बंदा हूँ, और मैं ही आपकी तरह हूँ, मैं ही इतना भाई, एक चीज़ सीधी सी बात बता रहा हूँ, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, कोई लोग कमेंट करते हैं आप ये हो, मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ जैसे आप हो, मैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं जानता हूँ, सिंपल सी चीज़ें जानता हूँ, नॉर्मल रहो, नॉर्मल ज़िंदगी जियो। फाइनली अडानी लॉन्च यूज करके देखता हूँ, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि दोनों सेम ऑपरेट करता है, मुझे ऐसा लगा कि अडानी लॉन्च कुछ एक्सपेंसिव लाइक दैट, लेकिन सेम है, तो चलो।
तो फर्स्ट टाइम मैं एडवाइन यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने हर बार लॉयल्टी लॉन्च यूज़ किया, लेकिन आज जाके मुझे पता चला कि आप दोनों यूज़ कर सकते हो और सेम में। तो मैं कन्फ्यूजन में था कि अडोनी लॉन्च कुछ डिफरेंट है, सेम ऑपरेट करता है ना। पहली बार मुझे जाके पता, तो यार मैं तो मेरी कुछ अलग ही धारणा थी अडानी को लेके। ठीक है, सेम चार्ज है 2 रुपीज़। सेम चार्ज, ओके, थैंक यू। तो यार सबसे पहले आप लॉन्च में इंटर करोगे तो आपको मैं एंट्रेंस दिखा देता हूँ। वहाँ से आप दो गेट है, वहाँ से इंटर करोगे, एक ये एक ये, और बाकी ये आपको दिख जाएगा हॉल जो लोग बैठ के रिलैक्स करते हैं। यहाँ आप 2 से 3 घंटा एक्सेस कर सकते हो। और हम मुझे लॉन्च ले आइए, ये है नान, ये है ब्रेड, कौन सा ब्रेड है बताइएगा जी, ये चिकन है, ये पनीर है, और ये भी पनीरें हैं। आप पानी बोतल दिए हैं, और जो हो मर्जी आपका वह लेकर खा सकते हैं, सब फ्री रहता है। ठीक है, तो बाकी स्टार्ट करते हैं। और कॉल आ रहा है मारिया का, तो उठाते हैं। यस, वेयर आर यू? आई कैन शो यू। ओके, आई कैन birthday your friend, I remember that, right? You can see some Indian food. I just eat free, just 2 ruble. I enjoy, it's just free? Yeah, it's just 2 ruble. How much? Just 2 ruble. Yeah, just 2 ruble, you can see that. Are you warm or not? It's warm, it's like fresh. And some sweets also, you can see. How are you? Давай. Аббас, какая дела? Да, хорошо, у вас? Я очень плохо. मैंने पहले ब्रेड और पनीर वगैरह खाया, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा राइस, बिरयानी, वेज, चिकन भी था, तो वो मैंने लिया। अब सेक्शन आता है जो कि मेरा फेवरेट सेक्शन है, अब मेरा फेवरेट फ्रूट है वाटरमेलन, तरबूज। और उसके बाद ये हलवा, मूंग का, सूजी का हलवा इतना पसंद नहीं, लेकिन ये मूंग का हलवा एक नंबर है, मैंने टेस्ट किया है। बाकी ये स्वीट, तो बाकी ये सब खाते हैं। बहुत ज़्यादा ही खा लिया, मैं इतना खाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने बोला चलो, पता नहीं कब यूज करें, कोई गारंटी नहीं है कि कब यूज करें, कब इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करें, पता नहीं। इतना देर खाने के बाद मैं आपको ऑल ओवर द व्यू बता देता हूँ। देखो अडानी लॉज में कुछ चीज़ें जो ऐड है, जैसे ये बिरयानी आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, वो लॉयल्टी लॉन्च में नहीं मिलेगा। और जैसे कि कुछ चीज़ें एज अ फ्रूट के मामले में थोड़ा लेस है, मतलब ठीक ही ठाक है, कुछ चीज़ वहाँ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मैं तो बोलूँगा बराबर का है, लेकिन एक चीज़ है, वहाँ क्राउड रहता है, यहाँ आपको इतना क्राउड नहीं मिलेगा। तो मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो क्राउड रहता है, ये पहली बार मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बड़ा भी है, आप देख सकते हो एरिया भी बड़ा है इधर से लेके वहाँ तक, और यहाँ क्राउड नहीं है। तो डिपेंड करता है आप पे, आपको कहाँ जाना है, बाकी दोनों सेम है, और कुछ चीज़ यहाँ एक्स्ट्रा है तो कुछ चीज़ वहाँ एक्स्ट्रा है, ऐसा है, बाकी यही है। तो ये सब मेरे काम का नहीं भाई, मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ, तो आप लाओ आओ तो यूज कर लो, और मैं कभी प्रमोट भी नहीं करता ऐसी चीज़ें, बस देख लो यहाँ हर चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो। और कुछ नहीं, बहुत है। कड़क चाय ना? हाँ कड़क ही चलेगा। थैंक यू सो मच। मैं भी आप जैसे नहीं लगे, मैं भी छोटा आदमी, आप भी छोटे आराम से, मैं भी छोटा आदमी, मैं भी गाँव के, तो मैं समझ सकता हूँ, मैं भी काम करता था, ऐसा नहीं कि अभी मैं लॉन्च यूज़ कर रहा हूँ तो लग जाता है ऐसा कुछ, ठीक है, चलेगा जाता है। चाय पीते हैं लास्ट, क्योंकि थोड़ा सा ही लिया, बहुत ज़्यादा पेट भर गया, चाय पियेंगे और निकलेंगे। तो लगभग मैंने 2 घंटे गुजारे, और अब 3 घंटा भी गुजार सकते हो आपके पास अगर टाइम है तो। बाकी ये वेटिंग एरिया है, अब वेट कर सकते हैं यहाँ के। तो मस्त से दवा के खाने के बाद अब बाड़ी आई है अपनी बोर्डिंग की तरफ, 40 मिनट बाकी है निकलते कलकत्ता की तरफ, जो कि मुझे लगभग सुबह 5:50 पर उतारेगी। तो चलते हैं गेट पर और कर या अहमद, थैंक यू। तो चलो बोर्डिंग करते हैं और
लगता है मैं लास्ट पैसेंजर था, अनाउंस कर रहे थे, मैं थोड़ा बाथरूम चला गया था यार। खाने पीने के बाद ये हंसी मजाक वाली ये ब्लॉग एक्चुअली मैं सही में फील अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कोई भी अपने देश लौट के आता है ना बहुत टाइम के बाद तो सही बता रहा हूँ एक अलग ही लेवल रहता है, तो थोड़ी खुशी तो है, चलो सही है। बाकी मैं मारिया को मिस कर रहा हूँ और शायद आप लोग भी मिस कर रहे होंगे। कभी भी घाई नहीं देता है तो मैं आराम से निकलता हूँ और बस चलते हैं। यहाँ से मुझे बस मिल जाएगा ना, पूरा वेट कर लूँगा मैं, आधे घंटे बैठ जाऊँगा एयरपोर्ट में, फिर बस लूँगा फिर जाऊँगा। और एयरपोर्ट से एसी बस चलती है जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। मैं सच बता रहा हूँ यार, मुझे कलकत्ता से बहुत प्यार है। मैं एक जैसे नॉर्मल बंदा नॉर्मल ज़िंदगी जीता हूँ ना, कलकत्ता भी मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, यहाँ के लोग नॉर्मल है ना, तो मुझे फास्ट ज़िंदगी पसंद है। और सच बजा रहा हूँ, मुझे सही में फास्ट ज़िंदगी पसंद नहीं, मैं एक बहुत नॉर्मल व्यक्ति हूँ और मुझे नॉर्मल जीना पसंद है, उसके लिए मुझे कलकत्ता पसंद आता है। और मैं बचपन से रहता हूँ, मेरे दोस्त यार सब माहौल, और मैं अच्छी खासी बंगाली बोलता हूँ, तो मुझे कलकत्ता बहुत पसंद है। मैं किसी शहर को गलत नहीं बोलता हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। लैगेज बेल्ट वाले एरिया में और नसीब से मेरा भी लैगेज घूम रहा है अकेला अकेला। वेट करने के बाद फाइनली निकल रहा हूँ, यहाँ से एसी बस है जो कि मेरे लोकेशन तक जाएगी और बस पकड़ के निकल जाऊंगा मैं। और लगभग एक घंटा लगेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। एक फीलिंग ही अलग है और आज का मौसम, शायद मैं लकी हूँ, कल मुंबई में भी मौसम अच्छा था, आज कलकत्ता भी मौसम अच्छा है, अभी टेम्परेचर लगभग 24 डिग्री है, सही है यार। मई एंड चल रहा है और मौसम इतना अच्छा है। VIP बाजार। ओके, धन्यवाद। ये अपनी बस